कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं बना रही हूँ, शाम हो रही है, शाम की रूटीन है तो शाम हो रही है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं काम से और आप लोग कह रहे होंगे आज मैं फिर किचन में, तो मैं किचन में हूँ। मैं बना रही हूँ पकोड़े, तो शाम में हम बना रहे हैं पकोड़े। तो ये यहाँ पर निकाल लिया है बेसन, ठीक है, और हम इसके अंदर डालेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया है बेसन, बेसन के अंदर डाल दिया है हमने जीरा, और जीरे के साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। तो लाल मिर्च हम डालेंगे कम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक और थोड़ा सा सोडा एक चुटकी। तो अब हम इसको फेंट लेंगे, ठीक है, तो मैं फेंट के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, तो मैंने ये बेसन यहाँ फेंट लिया है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ मेरा हो गया है ऑयल गरम, तो हम बनाएंगे यहाँ पकोड़े। वैसे मैं बना रही हूँ आज दही फुल्कियाँ, लेकिन शाम का टाइम था तो मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा लाएँ आज बना लेती हूँ मैं पकोड़े, तो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पकोड़ों की रेसिपी आप लोग देखें और बताइएगा मुझे कैसी लगी। जी तो ये देखिए, मैंने बना दिया है पकोड़ों का मसाला। इसके अंदर मैंने डाली है प्याज, हरी मिर्चें एक अदद, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, ठीक है, हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू भी काटे हैं, थोड़े से आलू के भी पकोड़े बनाऊंगी, इसलिए कि वो मेरी अब्री शौक से खाती है, वो मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाती है। तो फिर मैं आपको भी बना के और फिर दिखाती हूँ। और ये हमारे बन गए हैं पकोड़े, आलू के पकोड़े मैंने बनाए हैं ब्रिश के लिए, और भी ये वाले प्याज के पकोड़े जो बनाए हमने अपने लिए। और ये है चाय, और यासिम आ चुके हैं, हाय कर दो, अस्सलाम वालेकुम। और ये अवरेश रोरी है, आहत चले जी। ये हमारी शाम की रूटीन थी, तो हमने जो आपसे शेयर कर दी कि हमारे शोहर के आने के टाइम पे मैंने आज बनाए पकोड़े और चाय। तो मिलते हैं हम आपसे अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।